हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ आइसलैंड गोल्डॉगर थोर थॉरसन अराइव्ड इन इंडिया ऑन एन 8 डे विजिट टू द कंट्री। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि इनकी जो मीटिंग होगी वो होगी हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ। तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? सुषमा स्वराज जी। और सुषमा स्वराज जी के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन करनी है वो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट विदिशा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रेजैविक एंड करेंसी है क्रोना। प्राइम मिनिस्टर है कैटरिन जोगब्स डॉटर। प्रेसिडेंट है गोहानी जोहानसन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे हैज़ अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट इन पंजाब। जो ये शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट है इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट वाराणसी। और जो शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट है ये होगा रावी नदी के ऊपर। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इससे फ़ायदा दो स्टेट को होगा, एक पंजाब एंड एक जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको याद रखना है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए वो होगी 485.38 करोड़। और ये जो पैसा होगा ये 5 साल में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इस प्रोजेक्ट के लिए। अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह, कैपिटल चंडीगढ़ और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट फैसिलिटी देगा तंजानिया कंट्री को फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो कि एक अफ्रीकन बेस्ड कंट्री है। और ये कितना पैसा मतलब देगा एक्सिम बैंक? $500 मिलियन। और अगर हम देखें अपनी करेंसी के अकॉर्डिंगली तो होगा लगभग 3,542 करोड़। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एक्सिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, मैनेजिंग डायरेक्टर है डेविड। और तंजानिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानिया शिलिंग, प्रेसिडेंट हैं जॉन मार्कफुली, प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अपॉइंटमेंट कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है हमारे देश के न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। देखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का जो बेसिकली काम होता है ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो 3 साल के लिए होती है। और इन्होंने किनको रिप्लेस करा है? अरविंद सुब्रमण्यम को। और इनका जो बहुत ही मेजर वर्क होता है वो होता है बजट से पहले जब आपका एक इकोनॉमिकल सर्वे आता है तो सारा का सारा जो इकोनॉमिकल सर्वे होता है वो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा बनाया जाता है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ ये याद रखना है इन्होंने किनको रिप्लेस करा है? अरविंद सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट पॉइंट, लग्जमबर्ग सेट टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो अपने वहाँ के लोगों के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो है लग्जमबर्ग। और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी, प्राइम मिनिस्टर है जेवियर बेटल और करेंसी है यूरो। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कतर सेड इट वॉज क्विटिंग ओपेक फ्रॉम जनवरी 2019 बट वुड अटेंड द ऑयल एक्सपोर्टर ग्रुप्स मीटिंग दिस वीक सेइंग The decision means Doha could focus on cementing its position the world's top liquefied natural gas exporter. तो कतर की जो रिसेंटली अनाउंसमेंट है कि ओपेक को वो क्विट कर रहा है और वो चाहता है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस में वो टॉप पोजिशन में आए वर्ल्ड में। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के जो मेम्बर्स हैं वो है 15 countries, हेडक्वार्टर है इसका वीना ऑस्ट्रिया में, सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बारकेंडो। और कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा, करेंसी है रियाल एंड प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन द 62nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ बीआर अंबेडकर। यहाँ पर बीआर अंबेडकर जी की 62nd डेथ एनिवर्सरी पर हमारे जो देश के यूनियन मिनिस्टर हैं थवरचंद गहलोत, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो लॉन्च करें एक वेबसाइट को जो कि ट्रेन करेगी दलित एंड ट्राइबल यूथ को जर्नलिज्म में। तो जानते हैं थवरचंद गहलोत जी की जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है राज्यसभा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे देश के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली एक स्टार्टअप के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है जो कि गोवा में होगी। और इसका एम क्या होगा?
टू अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल इन टू द कंट्री। थीम क्या रखी गई है इसकी, मोबिलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर इनोवेशन इन इंडिया। ये हैं हमारे देश के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है वो है आंध्र प्रदेश राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की सीट से ये बेसिकली एमपी हैं आंध्र प्रदेश से। तो गवर्नर हैं गोवा के मृदुल सिन्हा, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर पारिकर, कैपिटल है पणजी। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर द रेटिंग रिलीज्ड पासपोर्ट इंडेक्स की अभी रिसेंटली रेटिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड अरब, जो यूनाइटेड यूएई है वो फर्स्ट नंबर पे रही है। मतलब इसका जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अगर हम देखें वर्ल्ड में। और हमारे इंडिया का जो रैंक है इसमें वो है 66 और रैंक है 166 कंट्री में से। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। सिंगापुर आया है टॉप सेकंड में, मतलब सेकंड नंबर पे है सिंगापुर, फर्स्ट पे है यूएई। और कैपिटल देखते हैं यूएई की अबू धाबी, करेंसी है दिरहाम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मैक्टॉन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम ने अनाउंसमेंट करी है और लॉन्च किया है स्मार्ट सिटी को। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्टैंड ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा 1500 करोड़ रुपीज़ का लोन, और बाकी जो पैसा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर लगाएगी। गवर्नर है सी विद्यासागर राव, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, कैपिटल है मुंबई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड मीटिंग ऑफ द नीति आयोग फॉर्म फॉर द नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग हेल्ड इन गुवाहाटी। नीति आयोग बेसिकली पहले प्लानिंग कमीशन था, लेकिन जब से 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है, प्लानिंग कमीशन से भी इसका नाम हो गया नीति आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले देखिए, जो नीति आयोग है उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, वो कहाँ हुई थी, अगरताला त्रिपुरा, अप्रैल 10, 2018। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही नीति आयोग के हेड हैं। वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेंटर हैज़ इंक्लूडेड गंगोत्री एंड यमुनोत्री इन उत्तराखंड, अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, पारसनाथ इन झारखंड अंडर ए सेंट्रल स्कीम टू डेवलप पिलग्रीमेज हैज़ हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री। ये जो बेसिकली अनाउंसमेंट करी है हमारे देश के टूरिज्म मिनिस्टर ने करी है, तो ये जो इन सिटीज़ को लाया गया है पिलग्रीमेज रेजुनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगोमेंटेशन ड्राइव, एक ये लॉन्च किया गया था टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा 2014-15 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द कंट्री लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट, जो हमारे देश का दूरदर्शन है रेडियो, जो हमारे देश का कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, अब उसको इम्प्रूव किया जाएगा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसके लिए जो पैसा हमारे देश की गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी वो होगा 850 करोड़। वैसे ये हमारे देश के मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर ही आता है लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इसकी हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल है सुप्रिया साहू। नेक्स्ट पॉइंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च फ्राइडे ए मीडिया कंपेन कॉलिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांसफैट इन द फूड सप्लाई। अब आप देखते हैं जो फूड में ट्रांसफैट लिखा होता है और वो आपको लगता है कि उसमें फैट नहीं है, जस्ट एक ट्रांसफैट है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। मैं आपको बताता हूँ, उससे हार्ट अटैक तक आने की संभावना है, और इससे अभी एक अकॉर्डिंग टू सर्वे लगभग 5 लाख डेथ हो चुकी हैं इस ट्रांसफैट से। तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक मीडिया कंपेन चलाया है ट्रांसफैट को फूड सप्लाई से हटाने के लिए। तो आपको याद रखना है FSSAI की जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है प्रीति सुदन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पवन कुमार अग्रवाल। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह विल बी इनोग्रेटेड द 2-day ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट इन रांची झारखंड। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं रघुवर दास, कैपिटल है रांची, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू।
और राधा मोहन सिंह जी जो हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनकी कौन सी सीट है? पूर्वी चंपारण। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने रिसेंटली एक पब्लिक बोल करा था, चार वर्ड्स यहाँ पर रखे गए थे, ये चार वर्ड्स हैं, नोमोफोबिया, इकोसाइड, नो प्लैंड फार्मिंग एंड जेंडर गैप। इसमें से पब्लिक पोल में नंबर वन पे जो वर्ड चुना गया है वो है आपका नोमोफोबिया। नोमोफोबिया जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब आप देखते हैं डेली लाइफ में भी इस वर्ड का यूज़ होता है कि जो आपका मोबाइल है उसके बिना आप अपनी लाइफ बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहते, तो ये वर्ड को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली अर्जेंटीना में जो G20 समिट चल रही थी वहां पर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है नेक्स्ट ईयर जो रिपब्लिक डे होगा हमारे देश का, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के द्वारा इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये समिट के दौरान की जो पिक है, और हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने इनविटेशन दिया था। साउथ अफ्रीकन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कैपिटल है केप टाउन, करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड एंड प्रेसिडेंट है साइरस रामाफोसा, और ये पिक आप देख ही रहे हो साइरस रामाफोसा की। एंड जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी उसके बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्योनोस एरिस, करेंसी है पैसो, प्रेसिडेंट है मॉरिशियो मैक्री। नेक्स्ट पॉइंट, रणिंदर सिंह को बना दिया गया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। एंड यहाँ की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। हेडक्वार्टर है इसका मॉनिश जर्मनी में, प्रेसिडेंट है ऑलगेरियो वैक्यूज राना। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक मीटिंग के दौरान एक कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था, और इस कमेटी में गंगा रिवर की सफाई के लिए बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी का जो हेड है वो बनाया गया है यूसी ध्यानी को, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं उत्तराखंड से। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, एनजीटी के चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रेस मैनुअल लोपेज, ये पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं मेक्सिको के, काफी सालों के बाद, लगभग 60-70 सालों के बाद ये प्रेसिडेंट बने हैं, लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट मेक्सिको के। मेक्सिको के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी और करेंसी है। जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रिसेंटली लॉन्च करी है जम्मू में एक स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये स्कीम पूरे भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडिकल स्कीम है। मैं आपको समझाता हूँ इस मेडिकल स्कीम में बेसिकली किस तरह से मैंने इसको बहुत पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम बोला है। इसमें 5 लाख रुपीज़ तक का आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, और ये स्कीम होगी बीपीएल फैमिलीज के लिए। ये स्कीम को अनाउंस किया गया था हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा, और ये अनाउंसमेंट कब हुई थी? यूनियन बजट जब इन्होंने अनाउंस किया था 2018-19 का। और यहाँ पे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि ये स्कीम सबसे बड़ी स्कीम होगी, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस स्कीम में कवर होंगी 10 करोड़ फैमिलीज, और ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था कि 10 करोड़ फैमिलीज बोले तो 50 करोड़ लोग इस स्कीम को ग्रैब कर सकेंगे, मतलब 50 करोड़ पीपल इस स्कीम को ग्रैब कर सकेंगे। तो ऑब्वियस है इस देश की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से पीछे है, चाइना। तो चाइना में ऐसा कोई भी स्कीम शुरू नहीं हुई, तो इसीलिए इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम बोला गया। गॉट इट। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये स्कीम शुरू करी गई है इसको अब जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, और इन्हीं के हाथ में अब जम्मू एंड कश्मीर की पावर है, क्योंकि आपको पता है जो सीएम है वो अब रिसेंटली उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, बीजेपी के साथ टाइप था, अब वो टूट गया था वो टाइप, तो उसके बाद से जो कमांड है जम्मू एंड कश्मीर की वो गवर्नर के पास ही है। तो कैपिटल है जम्मू, ये विंटर की कैपिटल है, और समर की कैपिटल है श्रीनगर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट के लिए ओडिशा गवर्नमेंट को लोन देगा 85 मिलियन डॉलर का, और एशियन डेवलपमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस, प्रेसिडेंट है टेक ही को नकाओ, और ओडिशा का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक।
लुका मॉड्रिक ने रिसेंटली फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है, और जो एक मोनोपोली चली आ रही थी टू प्लेयर्स की, रोनाल्डो एंड मेसी, उसको तोड़ा है। जो 10 साल से ये अवार्ड बेसिकली कभी रोनाल्डो कभी मेसी जीते आ रहे थे, तो ये है अवार्ड लेते हुए इनकी फोटो। एंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दिल्ली के मिनिस्टर ऑफ फूड सप्लाईज एंड एनवायरमेंट फॉर जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उनको अवार्ड मिला है पेटा की तरफ से, और ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने बैन किया था चाइनीज मांजा को, और चाइनीज मांजा से काफ़ी डेथ हो रही थी बर्ड्स की, और इस अवार्ड को नाम दिया गया है हीरो टू एनिमल। दिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट पॉइंट, द बुक मोदी राज में किसान डबल आमदी या फिर डबल आफत, ये लिखी गई है स्वराज प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव जी के द्वारा, और इसको लॉन्च किया गया है टू पर्सन के द्वारा, और वो पर्सन है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी जी एंड पंजाब स्टेट फार्मर एंड फार्म वर्कर कमीशन चेयरमैन अजय वीर जाखड़ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनोग्रेट करा गया है 19th एडिशन ऑफ हॉर्न बिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और नागालैंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, कोहिमा इनकी कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है नीफू रॉय, गवर्नर है पद्मनाभन आचार्य। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो आज का लास्ट पॉइंट है हमारा करंट अफेयर्स में, उसके बाद हम इम्पोर्टेंस डे पढ़ेंगे। उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, क्योंकि उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन जो केदारनाथ अभी रिसेंटली डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको कंस्ट्रक्शन वर्क करते हुए काफ़ी अच्छा शोकेस दिखाया, देखिए। और जो आज का लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट डेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को, वर्ल्ड सोयल डे 5 दिसंबर, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 5 दिसंबर, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, और जो इसकी थीम है वो आपको याद रखनी है नो योर स्टेटस, इंटरनेशनल डे फॉर अबोल्यूशन फॉर स्लेवरी 2 दिसंबर, इंडिया नेवी डे 4 दिसंबर। और जो हर करंट अफेयर का रेफरेंस है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस रेफरेंस पर क्लिक करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, करंट अफेयर को और अच्छा करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर हमें बताना कि जो करंट अफेयर्स है उसमें हम किस तरह से आपको पढ़ाएं, मतलब या तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर या फिर इसी तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ठीक लगता है, तो आप ज़रूर अपना व्यू देना कि किस तरह से करंट अफेयर का सेशन हम चलाएंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।